गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मेरे चैनल देहरादून वाला पे। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए नया ब्लॉग लाया हूँ। आज संडे भी हो तो दोस्त ने कहा था कि यार आज इठाना टेम्पल चलते हैं। इठाना टेम्पल मैं भी आज से पहले कभी गया नहीं हूँ, बट क्या कहते हैं, सुना था कि यार वो थाना रोड पे है और बहुत ही कम एक्सप्लोर हुआ है। वहाँ पे जाके मतलब बहुत ही शांति का पूरा माहौल मिलता है, तो यार वहाँ आज चलते हैं। और अभी देखिए, मैं अपने छत पे ही खड़ा हूँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी मैं जस्ट शूटिंग कर रहा हूँ, तो यार अभी चलता हूँ मैं, फटाफट नीचे तैयार होता हूँ और फिर आपको सीधा का सीधा आगे मिलते हैं यार। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के परिसर में।
हम किस ढंग से चला रहे, कल दूसरा किस ढंग से चलाएगा, परसों तीसरा किस ढंग से चलाएगा। वैसे कितने साल हो गए आपको? मेरे को आज 12-13 साल। सबसे पंडित जी एक बार गया था सिर्फ, 14 की बात होगी या 13 की बात होगी, महाराज जी थे मेरे यमुनोत्री, उनके पास गया था। वो उसके भी आ रहा है। गांव कहाँ है पंडित जी वैसे? ऐसा मेरा गांव जो है ये उसी उत्तराखंड में है। बॉडी में हर की बॉडी वगैरह हरिद्वार साइड को अब जो कुंभ काम हमने सब देखे, सब छोड़ दिए, देख देख के जो है अगला कुंभ था तो बोलते थे वहाँ हरि के पैरी पे की जो है गोली लगेगी तो पहले स्नान करेगा। तो सबसे पहले मैं गया अकेला वहाँ पे, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले मैं मरूंगा, मैं मर हर किसी ने कुछ नहीं है सब। तो यहाँ मेला मुला भी लगता है? हाँ, अब ऐसा जो है परसों भी लगेगा शिवरात्रि, शिवरात्रि को मेला लगता है। और जो सावन के महीने बहुत बड़ा मेला लगता है। कौन सा गांव कराता है इसको? ये गांव नहीं कराता है, अब जो है गांव कराते थे पहले, हाँ वो जो है अब नहीं कोई आता है, उस जैसे तुम आ रहे हैं ऐसे आए, अच्छा कोई भी करा देता है। बहुत बड़ा लगता होगा मेला? हाँ काफी लोग आते हैं, लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं। आपका गुजारा कैसे चलता है? गुजारा मेरा जो है कोई दे दे उसी के पीछे हमारा गुजारा है। ठीक है, अब बढ़िया है, जय हो तेरी। पंडित जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई, ये तो पहले भी आया यहां, हम आते रहे तो आरका में यहां अंदर बैठे हुए थे उस टाइम पे। अच्छा, आज मैं मतलब पहली बार आया हूं पंडित जी, है ना? आपके साथ YouTube पे देखते रहता हूं। आप हर जगह दिखते हो, अब वो उसके बनाते हैं, कोई ना कोई आता रहता है। ठीक है ठीक है, अच्छा पानी का ही कुछ होगा, ये पानी का इंतजाम करे, बरसातों में पानी वानी भर जाएगा, गाँव गाँव में पानी भर जाएगा। इधर लिया यार उठ माता जी। ठीक है पंडित जी, अच्छा पंडित जी, फिर से बाहर आ चुके हैं मैं और मेरा दोस्त देखिए जो बैक में भी अपनी एक वीडियो ही शूट कर रहा है, तो मैं भी आ गया हूँ अब। और ये हमारे बाहर मतलब जैसे आप मंदिर से निकलते हैं तो मतलब एक ग्राउंड है जो कि आप देख रहे हैं ये मेरे बैक में, बहुत ही बड़ा और मतलब साफ़ सुथरा ग्राउंड है। इस लोकेशन को मैं कहूँगा मतलब जो ग्राउंड है बहुत साफ़ सुथरा है। और ये देखिए बैक में यहाँ पे मतलब जो हरिद्वार से अभी मैंने एक बच्चों से मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो अभी बोल रहे थे कि हरिद्वार से आ रखे हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली आ रखी है वहाँ पे जो बैक में बैठे हुए हैं। तो अभी मतलब टाइम हो गया है लंच टाइम, तो अभी खाना लाए थे तो अभी लोग खा ही रहे हैं, तो अभी हम और हम पागलों की तरह भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ग्राउंड में ही हूँ अभी, तो हम टहल रहे हैं यहाँ पे मतलब एक वीडियो ही शूट कर रहे थे। तो अभी मैं और मेरा दोस्त बैक में कर रहा है, अभी अपने चैनल के लिए ब्लॉग बना रहा है और मैं भी अपने चैनल के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे, मंदिर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है और मतलब कितना अच्छा मंदिर है, और मतलब आके मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मतलब अब मेरा मन ये कर रहा है कि मैं भी अपने दोस्तों को और लाऊँ, क्योंकि ये जो मंदिर है जैसे कि आप जानते हैं मतलब पंडित जी ने जो बताया यहाँ पे, पंडित जी को भी मतलब 12-13 साल हो गए हैं, और जो यहाँ पे मतलब पंडित जी ने हमको बताया यार कि शिवरात्रि के टाइम पे और श्रावण मास के अंतिम महीने में मतलब जो यहाँ मेला लगता है यार मतलब बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे उस समय, और यहाँ पे आप आगे उस समय मतलब मतलब भांग के पकौड़े भांग मतलब आदि खा पी सकते हैं, और मतलब और भी है मतलब मेले में आपके तो मतलब अच्छा लगता ही है। तो यार आप भी आइए एक बार यहाँ पे, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया था तो मेरे को भी आने के बाद ही पता चला मतलब क्या है यहाँ का पूरा मतलब ट्रेडिशन टाइप मतलब। तो अब हम मैं और मेरा दोस्त सागर जो कि अभी भी वीडियो बनाने में व्यस्त है अपनी ब्लॉग के लिए वीडियो बनाता है वो भी, उसका भी चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यार, उसका भी चैनल को भाई का चैनल है अपने, तो उसका चैनल भी प्रमोट करिए यार, सागर संग सफर के नाम से है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं यार भाई भी हमारे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never क्या करते हो भाई? और दोस्तों आपको एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जब भी आप इठाना टेंपल आए तो यार इसके टेंपल के बगल में ही एक भैया की शॉप है. ये देखिए आप मेरे बैग में देख सकते हैं. मतलब यहाँ मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं, मोमो, चाउमीन, मैगीज, कुछ भी. मतलब जो भैया के यहाँ का स्वाद है यार, मतलब बहुत ज़बरदस्त और उमदा है यार. मतलब मज़ा आ गया यार. मतलब जब भी आप एक बार आए तो भैया की शॉप पर विज़िट करें और मैगी खाएं, चाउमीन खाएं. मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं. और देखिए अभी दोस्त कुछ दिमाग में मतलब तिकड़म बिठा रहा है कि कैसे क्या सूट करना है आगे के लिए. तो अभी हमने कम्प्लीटली यहाँ पे चाउमीन मोमो खा चुके हैं और अब हम चलते हैं इस जगह को बाय बाय कहते हुए. प्लीज़ अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए यार. और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले यार, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. तब तक के लिए बाय बाय.